शिवस अग्रवाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल के द्वारा स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर चिखली में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपना पंजीयन कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया। शिवस अग्रवाल चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल के सुपुत्र शिवस अग्रवाल बहुत ही छोटी उम्र में एक जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। वे बीमारी थी कावासाकी। ये बीमारी 1 से 10 साल के बच्चों के भीतर देखी जाती है, परंतु ये लाखों में किसी एक बच्चे को ही हो पाती है। इसके लक्षण भी काफी अलग बताए जाते हैं, जैसे जीभ लाल हो जाना और हाथों की उंगलियों की पपड़ियां निकलना, साथ ही हमेशा तेज बुखार रहना। तब उन्होंने अपने पुत्र के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य बन गया कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। 2020 से लगातार संदीप अग्रवाल स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कई स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते आ रहे हैं। इसमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जहां एक ओर शिवस अग्रवाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने के उद्देश्य को न्यूज टीम के साथ साझा किया है, तो वहीं स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा और डॉक्टर संजय गोयल ने इन शिविरों में आए लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियों के इलाज को भी स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जरिए संभव बताया है। ये जो कैंप हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में जो मरीज होते हैं उनको बेनिफिट मिले, उसके लिए श्रीवत्स अग्रवाल जी की स्मृति में हीलिंग हैंड्स और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। वैसे तो संतोष भाई हेल्थ कैंप आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस कैंप की विशेषता ये है कि अगर यहाँ से कोई पेशेंट बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए या क्रिटिकल केयर के लिए या कैंसर सर्जरीज के लिए कुछ भी पेशेंट अगर निकलते हैं जिनको हम परमानेंट ट्रीटमेंट दे पाए, तो स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और संदीप अग्रवाल जी के संयुक्त प्रयास से उस पेशेंट का परमानेंट जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। अगर किसी को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो निःशुल्क एंजियोप्लास्टी की जाएगी, किसी की कैंसर सर्जरी की आवश्यकता है तो कैंसर सर्जरी की जाएगी। ये इस कैंप की सबसे बड़ी विशेषता है। हम सामाजिक कार्यों में हमेशा चाहते हैं कि हमारी सहभागिता संयुक्त रूप से और समाज के साथ हम लोग जुड़ के आगे भी इस तरह के कैंप करना चाहते हैं, करते रहे हैं। कोविड में हमारे हॉस्पिटल की भूमिका आपने देखी थी और हमें बहुत खुशी होगी कि हम किसी भी तरह से समाज की सेवा कर सकें। एक बीमारी होती है कावासाकी डिजीज़, ये औसतन छोटे बच्चों को होती है, स्पेशली मेल्स को होती है, जो छोटे मेल बच्चे होते हैं 3 साल से लेके 10 साल की आयु के बीच। इसमें नॉर्मल बुखार आता है जैसे आम बुखार होता है, बट साथ में शरीर में अकड़न होती है, जीभ लाल हो जाती है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। इसके बुखार होने के 6 दिन के अंदर अगर इसका वैक्सीनेशन नहीं दिया गया तो ये बीमारी 100% जानलेवा है। मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि बुखार को हल्के में ना लें, इसकी जाँच कराएँ। इसका कारण अभी तक पता नहीं है लोगों को, मेडिकल साइंस इस पर कारण की खोज नहीं कर पाया है, बट इसका सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो यह है कि जीभ का लाल होना और उंगलियों की चमड़ी निकलना। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको या किसी आसपास के आपके किसी परिचय को दिखता है तो तुरंत इसकी जांच कराएं और उसकी वैक्सीनेशन लें। हम लोग हर साल ये मेरे बेटे की याद में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। इस बार इसका आयोजन हम रोटरी क्लब ऑफ भिलाई ग्रेटर और भिलाई पिनाकल के साथ कर रहे हैं। इसमें 10 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आए हैं जो स्पर्श हॉस्पिटल के द्वारा आए हैं यहाँ पे। इसके अलावा 41 प्रकार की ब्लड टेस्ट है, वो निःशुल्क है, दवाई वितरण निःशुल्क है, पेशेंट्स के लिए भोजन की व्यवस्था है, ब्लड डोनेशन कैंप है और कोविड वैक्सीनेशन का भी यहाँ पे प्रबंध है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, समय समय पर अपनी जाँच कराते रहे ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही उसका निराकरण कर सकें। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य तो निश्चित तौर पर जो वंचित वर्ग के मरीज हैं, जो बड़े अस्पतालों तक जाने से डरते हैं, उनको यहाँ निःशुल्क देकर दवा वितरण और आवश्यक सलाह देनी होती है। और इस चीज़ के लिए आज 6 तारीख को श्रीवत्स मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें किस पर अस्पताल अपनी भागीदारी निभा रहा है। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं
और निःशुल्क सलाह के साथ में दवा का वितरण भी किया जा रहा है। बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं और जो ब्लड टेस्ट यहाँ पे नहीं हो पाएंगे उनके लिए स्पर्श अस्पताल द्वारा 25% छूट की पर्ची भी दी जा रही है। कोई है तो उसके लिए स्पर्श अस्पताल में आयुष्मान के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है। उन्हें यह भी सलाह दी जा रही है कि आप स्पर्श में आकर आयुष्मान के द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं। तक 125 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि लगभग 125 लोग और भी आएंगे। अभी रविवार को एक बार पुनः चिखली के एक निजी होटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान यहां पर की। इस शिविर में नेत्र रोग, दंत रोग, हड्डी रोग, चर्म रोग, स्त्री रोग के साथ ही हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों के परीक्षण भी किए गए और निःशुल्क परामर्श और उपचार के साथ निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। शिविर का लाभ बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उठाया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।